दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट हार्डवेयर प्लाईवुड टिम्बल टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। सरकार ने गौ सेवा आयोग तो बना दिया है, लेकिन प्रदेश की सड़कों पर बेबस बेसहारा घूमते गौ माता व नंदी की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। बेसहारा पशुओं को आश्रय देने और गौ सदनों के रख रखाव के लिए राज्य सरकार शराब की हर बोतल पर अब 1.5 रुपए सेस भी वसूल रही है। हालांकि पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि जयराम की सरकार इसके लिए प्रतिबंध है और शीघ्र ही प्रदेश की सड़कों से इन आवारा पशुओं को हटाकर गौशाला में पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। वीरेंद्र कंवर ने बताया कि जयराम सरकार जब से सत्ता में आई है वह गौ संरक्षण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। सरकार प्रदेश में बनी, हमने इसको प्राथमिकता में लिया है। हमने गौ सेवा आयोग का गठन किया और एक निर्णय लिया कि जो गौशालाएं जो एनजीओ चला रही है, गैर सरकारी संस्थाएं जो गौशालाएं चला रही हैं, हमने उनको आर्थिक सहायता भी जो है उसमें 500 रुपये प्रति गाय के हिसाब से की। और साथ में निर्णय लिया कि हम बड़ी गौशालाएं बनाएंगे, जहां छोटी भी बनाएंगे बड़ी भी बनाएंगे। और आज हम हर जिला स्तर के ऊपर जो है वो बड़ी गौशालाएं यानी गौ सेंचुरीज जो है वो बना रहे हैं। और कई जिलों के अंदर जो है वो हमें कैटल फ्री जो है वो हमने जिले जो है वो किए हैं, जैसे सिरमौर है, सोलन है, और बहुत सारी गौ सेंचुरीज जो है वो बन करके तैयार हो गई हैं। जल्दी हम उनको भी जो है वो शुरू कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें जो है वो इससे खाली कर सकें। ये हमारे लिए जो है वो प्राथमिकता है। और जहाँ इसका संरक्षण भी कर रहे हैं बेसहारा पशुओं का, आगे के लिए ये समस्या कम हो इसके लिए भी जो है वो सरकार प्रयास कर रही है। इस पर हमने केंद्र से सेक्स ऑर्टेड सीमन के रूप में 3 लाख जो स्टॉल्स हैं वो इस पर हमें केंद्र से मिलेंगे और वो हम किसानों को उपलब्ध कराएंगे ताकि उनसे बछड़ी पैदा हो, बछड़ा पैदा ना हो। और यहाँ पर अच्छे एक ट्रेनिंग सेंटर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेयरी हम ऊना में खोल रहे हैं। हम पहाड़ी गाय का संरक्षण कर रहे हैं ताकि किसानों को हम ट्रेनिंग भी दें और ट्रेनिंग के साथ साथ अच्छी नस्ल की पशु जो है वो हमें मिलें। हम अच्छी नस्ल की गाय हम यहाँ पर रखें ताकि दूध का भी हमें ज़्यादा उत्पादन हो और साथ में सड़क पर छोड़ने की स्थिति जो है वो ना हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।